आप सबको ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग को पांच क्या होगा प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड दी डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर आपके पास ध्यान दें कि टू फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी आपके पास यहां लॉग की बात आई है तो यही लॉग का फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, लॉग एक्स बाई dx is equal to 1 by x। यहाँ पर आप सबको ध्यान देना है बाबू, ये यहाँ पर मेरे प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास यह लिखा गया है कि टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x। आपको यह अप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो इसका लिखा गया था कि x के सापेक्ष log x का अवकल गुणांक निकाले, x के सापेक्ष log x का अवकल गुणांक निकाले। x क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये log x है, यदि t रहता है तो वहां पर 2t लिखता है ना, और यहाँ पर क्या रहता है y रहता है तो वहां पर क्या लिखते हैं y, यहाँ वहां भी क्या लिखते हैं थीटा। आप समझ गए होंगे कि आपके कि x के सापेक्ष log x का अवकल गुणांक निकाले। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अब इसको क्या करना है, टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम लोग बैक क्लासेस में पढ़े हैं, इसको ध्यान देना है सब किसी को। प्रूफ करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है? लिखा हुआ है यहाँ लेफ्ट वाई इज का टू क्या हो जाएगा, लॉग आपके पास एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा बाबू। यहाँ पर सब कुछ ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, क्या लिखा बाबू यहाँ पर हम लोग के पास हो गया y इसका टू log x। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट करेंगे, क्या करेंगे बाबू फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या करना है, इसको लिखेंगे अगेन अगेन लेट डेल x एंड डेल y आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ये आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या लिखना चाहा बाबू, यहां पर आपके पास हो गया बाबू x एंड y रेस्पेक्टिवली।
यहाँ अगेन लेफ्ट डेल एक्स एंड डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। आप जो हिंदी आपको बता भी दिए थे कि पूरा मान लिया कि एक्स तथा वाई में क्रमशः डेल एक्स तथा डेल वाई को अल्पवृद्धि करने पर वाई में डेल वाई को ऐड कर देंगे और एक्स में क्या ऐड कर देंगे, डेल एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू, प्लस क्या हो जाएगा डेल वाई और इक्वल हो जाएगा लॉग और एक्स प्लस क्या हो जाएगा डेल एक्स। इक्वेशन क्या होगा टू। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे बाबू, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इन सेकेंड और लिख देंगे वी गेट या वी है। ठीक है बाबू, या हम क्या बोलते हैं कि समीकरण दो में से एक को घटाने पर तो ये समीकरण क्या हो गया, दो आई क्या हो गया एक। ठीक है, टू और वन, लेफ्ट में लेफ्ट को और राइट में राइट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इन कौनसी टू, समीकरण दो में से एक को घटाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, y प्लस क्या हो जाएगा डेल y माइनस y हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट से सेकंड में फर्स्ट से, और फिर यहाँ पर क्या होगा log x प्लस क्या होगा डेल x माइनस log क्या होगा बाबू x, और लेफ्ट में लेफ्ट से राइट में राइट से, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बाबू, ये आपके पास हो जाएगा कि यह y और ये y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा बाबू, देयरफॉर डेल y इसका टू log x प्लस डेल x माइनस log क्या हो गया x। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू थर्ड। हमने लैंग्वेज क्यों लिख दे रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि कौन वैल्यू कहाँ पुट हो रहा है और किस तरह से पुट हो रहा है, और सबों में थर्ड तक ले इसी तरह आएंगे। और लिखेंगे हम लोग कौन सी बाबू फ्रॉम, और ये हो जाएगा डिवाइडिंग बाय डेल वाई है तो क्या डिवाइड करेंगे डेल एक्स, और डेल एक्स रहेगा तो डेल वाई, और क्या लिखेंगे बाबू इन इक्वेशन थर्ड एंड टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स है तो डेल एक्स, डेल वाई को डेल वाई, ऑन दी बोथ साइड और वी क्या हो जाएगा गेट। अब यहाँ पर हम लोग के पास समझ में आ गया होगा कि यहाँ कौन सी कह रहा है कि समीकरण तीन में डेल एक्स से भाग, समीकरण तीन में डेल एक्स से भाग और दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लेने पर। अब यहाँ पर यह स्पष्ट इसका हिंदी भी लिखवा दिए थे आप लोगों को, तो समीकरण तीन में डेल एक्स से क्या कर देंगे भाग और दोनों तरफ क्या ले लेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यह फ्रॉम डिवाइडिंग बाय डेल एक्स इन इक्वेशन थर्ड एंड टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन द बोथ साइड वी गेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिमिट और डेल एक्स टेंड्स टू क्या होगा जीरो, और डेल वाई बाई क्या हो जाएगा डेल एक्स, और यहाँ लिमिट हो जाएगा डेल एक्स टेंड्स टू क्या होगा जीरो, और लॉग हो जाएगा बाबू और एक्स प्लस क्या होगा डेल एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई क्या होगा बाबू डेल एक्स। अब यहाँ पर ये डेल एक्स बहुत खतरनाक है, इसको हमको साइड करना अति जरूरी है। अब इसको हमने साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े होंगे बाबू, आप लोग को बताए भी होंगे कि लॉग यदि आपके पास माइनस में होगा तो ये कौन सी में लिखवाया जाता है डिवाइडेड में, ए बाई क्या हो जाएगा बी। ठीक है, प्लस रहेगा तो इंटू और यदि माइनस रहेगा तो डिवाइडेड, तो देख रहा है कि यह ए है और ए क्या है बाबू बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट हो जाएगा और डेल एक्स टेंड्स टू क्या होगा जीरो, लॉग हो जाएगा बाबू और यहाँ पर x प्लस क्या होगा डेल एक्स और बाई क्या होगा x, और बाई में क्या हो जाएगा हम लोग को डेल एक्स। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट में इसको नोट करें, साफ करेंगे फिर आगे लिखना है ऊपर।
आस्क मैन हो गया सर हो गया सर बस आपके पास ज्यादा नहीं आप तो ये सब में लैंग्वेज यही लग रहा है आपको तो रिमेम्बर हो गया होगा बस चेंजिंग कहां से होता है ये इक्वेशन जो थर्ड जो लिखा हुआ है यहां से चेंजिंग होता है ठीक है ना तो हमने लैंग्वेज जो पुट आपको कर दिए तो ये आपको पता चल गया कि कौन वैल्यू कहां पुट हो रहा है और इससे स्पष्टीकरण हो जाएगा और यदि हमने शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे किताबी क्लास है या इस तरह से मार्केट की पढ़ाई की तरह तो उसमें मजा नहीं आएगा ठीक है और ये हम जब समझ गए अच्छा से तो लैंग्वेज भी तो स्टेप बढ़ भी जाता है तो कोई आपकी परेशानी और टाइम किल नहीं होगा जानकारी हो गया तो टाइम किल नहीं होता है नहीं जानकारी होता है तो टाइम किल होता है इसलिए हमने ये लिखे है लैंग्वेज तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर ये अरेंज करना है और इसको हमने लिख दिए तो इसको आपको पता चलना है कि ये अरेंज करना है और इसको हमने लैंग्वेज में पुट कर दिए तो इससे आपको पता चलना है कि यह वैल्यू कैसे बस अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा कौन सी होता है मैं आपके पास फॉर्म को कौन सी करता है चेंज करता है ये कौन वैल्यू कहाँ पुट होगा इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू इस पर लोग चेंज करेंगे अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू आप तो यहाँ चेंज किए तो हम सब कोई पहले से जानते हैं बाबू कि यदि हम लोग को x प्लस वाई बाई टू रहेगा तो हमने x बाई टू प्लस वाई बाई क्या कर सकते हैं टू कर सकते हैं उसी तरह इसको एलसीएम कर लेंगे क्या कर लेंगे बाबू एलसीएम तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या प्रयोग करने के लिए एलसीएम तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स और यह लिमिट हो गया बाबू डेल एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो लॉग हो गया बाबू और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई हो जाएगा कौन सी बाबू एक्स हो गया और बाई क्या हो जाएगा बाबू डेल एक्स स्पष्ट हो गया आपका एलसीएम कर दिया है 1 प्लस डेल एक्स बाई क्या हो गया एक्स अब आपके बाइनोमियल फंक्शन में हमने लिखाए होंगे बाबू बाइनोमियल फॉर्म आपको लिखाए होंगे बाइनोमियल फॉर्म में आपके पास इसका फॉर्मूला लॉग वाला बुक किया होंगे आप सबको जानना है याद रखना चाहिए क्योंकि बात जरूरी है सब जगह देख लीजिए यहाँ पर फिर भी हमने आपको लिख दे रहा है जैसे हम लोग के पास यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिएगा बाबू ये लॉग आपके पास लिखा गया था 1 प्लस कौन सी बाबू एक्स और ये आपको बाइनोमियल कौन सी है एक्सपेंशन है अर्थात द्विपद विस्तार है अब यार हम लोग के पास फॉर्मूला में ये लिखा गया होगा बाबू यहाँ पर x by factorial constant 1 minus x square by factorial 2 plus आपका x 3 by factorial constant 3 minus इसी तरह आपका constant हो जाएगा dot dot ठीक है अब एक होगा plus एक होगा plus minus plus minus होते जाएगा अब देख लीजिए आप लोगों के पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपके पास जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ स्पष्ट आपको यहाँ पर भी नजर आ गया बाबू ये 1 तो है ये 1 हैंड में रहना चाहिए और माइंड पर सेट कर ले कि 1 हैंड में रहना चाहिए लेकिन x के प्लेसेस पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है x जो दिया हुआ है इसके प्लेसेस पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है लेकिन 1 हैंड में रहना चाहिए कौन सी रहना चाहिए 1 हैंड में रहना चाहिए यदि प्लस है तो वो प्लस है वो माइनस है प्लस एक माइनस हो गया और यदि कोई यहाँ माइनस दे देगा तो ये सब माइनस होगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यह ऑड नंबर है ये क्या है इवन नंबर है ये क्या है ऑड नंबर है तो यह ऑड नंबर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इवन नंबर होगा तो प्लस हो जाएगा ये ऑड नंबर होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा अर्थात माइनस वाला सब माइनस हो जाएगा आपको लिखाए भी होंगे आप देख भी लीजिएगा ठीक है ना बाबू तो यहाँ एस के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन 1 हैंड में लाना चाहिए 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स लेकिन 1 लाना चाहिए अब यही आपके पास जो दिया हुआ है बाबू
या हमको एक्स के प्रेशर पर ये आपको पुट किया होगा, आप आपको दिखाई दे दिया होगा, यहाँ पर आपको नजर जाना होगा कि एक्स के प्लस पर गैप कर दिया रहो डेल एक्स बाई एक्स, तो जहां जहां एक्स होगा वहां पर डेल एक्स बाई क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे। अब यह समझ में आ गया होगा, हमने बार बार यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो एक्स के प्लस पर आपका कुछ भी डाला जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यह लिमिट कर देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू क्या हो गया जीरो, अब यहाँ पर क्या होगा बाबू डेल एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स फैक्टोरियल क्या होगा वन माइनस होगा, यहाँ पर डेल एक्स बाई एक्स का क्या होगा एक्स बार फैक्टोरियल क्या होगा टू, और यहाँ डेल एक्स बाई क्या होगा एक्स क्या हो जाएगा क्यू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा थ्री, और इसी तरह माइनस आपका डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब बाई में आपके पास क्या हो जाएगा बाबू डेल एक्स बाई में क्या हो गया डेल एक्स हो गया, अब तो समझ गया होंगे आप लोग। अब यहाँ पर डेल एक्स बाई एक्स डेल एक्स बाई एक्स डेल एक्स बाई एक्स कम सी हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू क्या होगा जीरो डेल एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो गया बाबू वन बाई क्या हो जाएगा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा बाबू फैक्टोरियल क्या होगा वन, और यहाँ एक बच जाएगा डबल है तो सिंगल बच जाएगा और फैक्टोरियल टू एक सिंपल है तो डबल हो जाएगा बाबू एल बाई एक्स का कौन सा होगा एस स्क्वायर फैक्टोरियल क्या होगा बाबू थ्री माइनस क्या हो जाएगा डॉट डॉट। अब यहाँ पर बाई कर देंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास डेल एक्स हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि हम लोग के पास यह डेल एक्स हमने क्या बोला है ये भी खतरनाक है, जैसे हम लोग का आंख बहुत खतरनाक होता है ना उसी तरह यह डेल एक्स का आंख जो है ना बहुत खतरनाक है, डेल एक्स नहीं हटेगा ना तो सब वैल्यू से खत्म कर देगा, उसी तरह जब तक ले आंख किसी का किसी पर नजर पड़ता है ना तो बड़ी खतरनाक होता है, इसलिए ये हम लोग के आंख पर आंख किसी को मिलाकर देखना उचित नहीं है ना, क्षण भर के लिए देखे वहां से हट जाए ना कि बार बार आंख मिलाइएगा तो बात से हो जाएगा, उसी तरह यह डेल एक्स आपका जब के त्यौर आ जाएगा ना तो ये भी हमारा सारा क्वेश्चन में कौन सी कर देगा खतरनाक कर देगा, इसलिए आप लोग के पास क्या होगा कि डेल एक्स कैंसिल होना चाहिए, तो यह डेल एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। आप देख रहे होंगे कि जो भी हमने फॉर्मूला प्रूव किया है तो डेल एक्स को साइड किया, नहीं साइड करेंगे तो सब हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा बाबू, अब यहाँ पर हम लोग को वन बाई एक्स हो जाएगा, अब हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है चेंज करने के लिए, तो लिमिट हटाएंगे डेल एक्स का वैल्यू क्या है जीरो, तो जहां जहां डेल एक्स होगा यहाँ पर जीरो लगेंगे तो डेल एक्स बाई जीरो बाई एक्स होगा तो जीरो होगा ये जीरो हो जाएगा, तो सब वैल्यू क्या होते जाएगा जीरो हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर क्या होगा वन बाई एक्स हो जाएगा, और यह फैक्टोरियल वन का वैल्यू क्या होता है बाबू वन होता है, और इसका वैल्यू आपका जीरो बाई फैक्टोरियल क्या होगा टू, और ये क्या होगा जीरो बाई फैक्टोरियल क्या होगा थ्री, और ये क्या हो जाएगा आपके पास कौन सी डॉट। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा वन बाई एक्स होगा ये वन हो जाएगा जीरो होगा प्लस जीरो क्या होगा डॉट होगा, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा वन ना होगा तो वन बाई एक्स इंटू क्या होगा वन, अब किसका वैल्यू आ गया बाबू ये आपका डी वाई बाई कौन सी आ गया बाबू डी एक्स, समझ गए होंगे। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो हम लोग अब समझ जाएंगे सब कोई कि अब y के प्रेशर पर क्या पुट किए थे log x, तो यहाँ पर डेयर को क्या होगा d log आपका x y क्या होगा dx इसका टू वन बाई एक्स, यही हम लोग को कौन सी करना था वो कंसेप्ट क्लियर फर्स्ट में नोट कर लिया जाए। हो गया सर, सब को लिख लिए यस सर यस, अब साफ कर दे रहा हूं यस सर।
अभी अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे बाबू। अब यहाँ पर हम सबको थोड़ा ध्यान देंगे, फिर अब तो हम लोग के पास या माइंड पर आपको सेट हो गया होगा कि हम लोग के पास क्या होता है कि यहाँ पर डी आपके पास लॉग एक्स और बाय डी एक्स, अब यह आप लोग के पास क्या होगा एक्स, ये आपके पास अब क्या होगा बाबू एक्स। अब तो आप अच्छा से समझ गए होंगे कि अब क्यों आता है, इसलिए आप लोग के पास फॉर्मूला यदि नहीं प्रूफ करते तो कहते कि सर नहीं प्रूफ किया है, लेकिन प्रूफ करने पर कोई भी चीज होता है हम छोड़ दे या पढ़ा दे, या आप छोड़ दे या पढ़ा दे या पढ़ ले या जो भी हो, लेकिन ध्यान देना है कि कोई भी चीज जो बना है मैथ में ना तो वह कौन सी होता है प्रूफ होता है, चाहे वो लेट करके बने या अदरवाइज कोई भी डिजिट या कॉन्स्टेंट या वेरिएबल लेकर सोल्व हो, लेकिन क्वेश्चन आपका सोल्व होगा ही। अब इस पर हमने एग्जाम्पल को सेटिस्फाइड करेंगे वालों, तो ध्यान देना है कि आप कैसे आया है तो ध्यान देना है, तो देख रहा है कि लॉग का हमारे पास एक्स है तो बिलो में एक्स है तो क्या है वन बाई एक्स आया है, आप तो स्पष्ट समझ गए होंगे मेरा इशारा। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ लिखेगा बाबू कि यहाँ पर फाइंड फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो आप सब कोई समझ गए होंगे कि हमने क्या लिखना चाह रहा है ना, अब यह हम लोग को लैंग्वेज तो आप जान ही गए होंगे कि क्या हमने लिखना चाह रहा है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन क्या चलेगा, यहाँ पर ध्यान देना है हमारे प्रिय स्टूडेंट, यह हम लोग के पास हो जाएगा फर्स्ट में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे, और यह लॉग कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रेस लिख दिया, यहाँ पर आपके टू नंबर में लॉग आपके पास कोई व्यक्ति थ्री एक्स लिख दिया। अब यहाँ हम स्मॉल क्यों लेकर चलते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर सेवन एक्स लिख दिया और यहाँ फोर नंबर में कोई व्यक्ति यहाँ लॉग आपके पास कोई एक्स लिख दिया है ना। अब यहाँ पर आपके पास हमने इतना पर हमें सोल्व करना है, फिर आगे लिखेंगे फिर सोल्व करेंगे, नहीं तो तुमसे पूछेंगे तुम लोगों से, एक लड़का बोलेगा तो सबके लड़का बोलेगा बस हमको आवाज कम सुनाई देने लगता है, बस तुम लोग कौन से करते हैं क्वेश्चन को गड़बड़ कर देता है, ठीक है। अब ये फॉर्म को कैसे सोल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, या सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन हम लोग के पास लॉ क्या लिखा है टू एक्स, ठीक है, तो फर्स्ट वाला लिखा है तो हमने फर्स्ट लिख दिए हमको, या हम लोग के पास यहाँ दिमाग में सेट कर गया कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सोल्व हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन सी वाला सॉल्व और लिखेंगे यहाँ ले और y इस तरह लिख देगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा होगा x, तो यहाँ पर क्या होगा dy by क्या होगा dx और d आपके पास क्या हो गया आप तो समझ गए होंगे बाबू, यहाँ पर भी आपको फिर हमने लिख रहा आपको इंडिकेट करना है और यहाँ पर बार बार इंडिकेट करने का मतलब समझ के करते हैं कि सर क्या है बार बार लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग के पास क्या है, यहाँ पर आपका जो लॉग दिया हुआ है तो यही वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो वन बाई एक्स, यहाँ पर टू एक्स है, इसका जो भी टू एक्स होना चाहिए, तब करूंगा अप डाउन अप डाउन सेम होना चाहिए तभी क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वन बाई क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा टू और ये टू क्या होगा वन, इसका तो वैल्यू आप जानते करते हैं कि हम लोग के पास इसको डायरेक्ट आप लिखने की कोशिश करेंगे टू इंटू क्या होता है डी एक्स बाई क्या होता है डी एक्स, टू इंटू वन और इसका टू टू। अब जब क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो तो उसको डायरेक्ट में समझ करते जाना सोल्व करते जाना, ओके समझ गए मेरे बात को, तो यहाँ पर आपको टू टू कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा वन बाई एक्स होगा, अब यही आपका आंसर हो गया। तो y इसका टू का वैल्यू पुट किया गया है d log आपके पास कौन सी 2x और y आपके पास क्या हो जाएगा dx, अब ये समझ में आ गया होगा। अब फिर इसी तरह हम लोग के पास यह 3 वाला हो जाएगा,
यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा log आपके पास क्या है 3x है और यहां पर आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और यहां लेफ्ट कर देंगे और y इसका क्या होगा log आपके पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा और यह dy / क्या होगा dx इक्वल होगा d आपके पास log हो जाएगा 3x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा आपका dy तो log का एंगल x है यहां पर x होना चाहिए तो log आपके पास 3x है तो log में भी 3x होना चाहिए ना तो यहां पर log आपके पास क्या होगा 3x हो गया और y में यहां पर क्या होगा वो 3x और इनटू आप हो जाएगा क्योंकि 3x y क्या होगा dy तो ये क्या होगा 1/3x हो गया और ये क्या हो जाएगा वो 3 और इनटू 1 3 3 साइड होगा तो 1 क्या होगा x देयरफॉर d log आपके पास क्या होगा 3x हो गया और y क्या हो जाएगा dy अब यह आपको आंसर यही होगा आपको समझ गया होगा आंसर से कोई दिक्कत नहीं होगा 5 मिनट करो हो गया सर वेरी फास्ट में मार देगा सर चलो सर हो गया चले भाई हो गया तो अब खुशी की बात है कहा था कि गुरु 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 के रास्ते हैं चले चला क्या हो जाता है किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है सर नहीं सर चले यहां पर समझ गए होंगे आप हम लोग के पास ये डी आपके पास लॉग फॉर्म बराबर x y का निकाल दिए तो क्या हो जाएगा x से हो जाएगा अब कोई व्यक्ति आपके पास डी आपके पास लॉग यहां पर स्क्वायर का y का निकाल दिए सर वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है सर वीडियो सर नेट प्रॉब्लम सर आपका नेट का प्रॉब्लम है सर आपको नेट का प्रॉब्लम है साफ नहीं आ रहा है आप लीजिए नेट का प्रॉब्लम है फुल गए तो हम क्या करेंगे और गुरु गए तो हम क्या करेंगे अब तो हमको प्रॉब्लम ऑनलाइन लो कैसे मजा लेगा समझ में आ रहा है ना इसको हम डायरेक्ट भी लिख कर निकाल सकते हैं तोड़ने का तरीका बता दे फर्स्ट में शुरू कर ले अब डायरेक्ट में ये लिख देंगे तोड़ने का तरीका समझ गए अब माइनस वाला है तभी प्लस आया है तो गाय का रिजल्ट कैसे आ गया तब गुणबंग नया नहीं करना है आएगा नहीं जरूर आएगा कैसे नहीं आएगा अरे पहले फास्ट में पहले लिख उसको हो गया तो ऑनलाइन का पढ़ाई का मजा लेगा नेटवर्किंग की बात करेगा आ कोई लड़का कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है महामारी के ऑनलाइन पर्व कैसे हो दिक्कत तो हो गए सर वाईफाई लगा लीजिए इतना दिनों से तो आप लोग को प्राइम में हम तो दिक्कत नहीं पहुंचाए होंगे आप लोग तो जो भी है हमने क्लास को है 10 मिनट लेट या पहले या कोई भी होता है लेकिन फिर भी आपका क्लास हम रेगुलर ले ही रहे हैं ज्यादा आपका एब्सेंटी भी नहीं हुआ है बरसात भी हुआ है कभी भी एब्सेंटी नहीं हुआ है एक आध दिन आपका एब्सेंटी हुआ है फिर भी आपको कोशिश करते हैं आप अच्छे से समझे और अच्छे से हम आपके नजदीक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको इतना विचार करके पढ़ाई को खत्म कर दे रहे हैं आपको समझिए गए मेरे बात को और सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ते हैं ये हमको मालूम नहीं है लेकिन हम जो पढ़ाते हैं तो आप स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे अब आप लोग बता जाते हैं छुट्टियों भी होगा तो ऑनलाइन पढ़ लेगा
आप लोग के पास अब महामारी कोरोना या कोई भी आपातकाल आएगा तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, खुलेगा तो आप लाए, नहीं खुलेगा तो आप ऑनलाइन। अब आपकी पढ़ाई का भी बात नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आप माइंड पर सेट कर लेना है कि अब यहाँ से आप लोग का लाइफ कभी ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, यही नहीं कि आप एक प्लस टू का आगे भी क्लास का यही फॉर्म बनते चला जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि महामारी आपको दिखी रहा है कि कब किस समय क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अब देखिए बरसात में भी आप लोग हो जाता है, बारह बजे आती है तो बंद हो जाता है, तो उसी स्थिति में भी आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। लेकिन क्लास आपका बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आपको थोड़ा ईमानदारी से रही है ना। चलिए यहाँ पर आपके पास थर्ड नंबर लॉग आपके पास माइनस क्या है 7x सॉल्व कर देंगे बाबू। अब बोलिएगा कि सर प्लस इसका भी लिख दिए थे तो प्लस जरूर इसका लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसका रूटने जा रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x हो गया और dy का क्या हो गया dx। तो यहां पर d आपके पास log हो गया माइनस का हो गया 7x y क्या हो गया dx और यहां पर d हो जाएगा log आपके पास माइनस 7x और यहां पर d आपके पास माइनस का होगा 7x एंगल सेम होगा और यहां पर माइनस का होगा 7x y क्या हो जाएगा dx। तो यहां पर ये आपके पास क्या होगा 1 - 7x होगा, इसका कांस्टेंट माइनस 7 है और ds ds का होगा 1 माइनस 7 माइनस का कैंसिल हो गया 1/x हो गया। अब तो समझ गए होंगे कि आपका log माइनस में भी रहेगा तो कौन का रहेगा चेंज रहेगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग के पास रहेगा फोर नंबर, फोर नंबर में लिखा हुआ है कि log x क्यूब हो गया और यहां पर क्या लिखेंगे सॉल्व और यह लेफ्ट करेंगे बाबू और यह वाई, इसका रूट क्या हो जाएगा लॉग होगा और एक्स का है क्यू है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कौन निकालेंगे बाबू एक्स, तो यह आपका हो जाएगा डी वाई में क्या होगा डी एक्स और डी आपके पास लॉग हो जाएगा और एक्स का हो गया क्यू वाई क्या हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा जो एंगल में है जो जीरो होगा, यहाँ पर लॉग क्या होगा एस क्यू हो जाएगा तो डाउन में भी क्या होगा एस क्यू होगा और देयरफॉर क्या हो जाएगा एस क्यू और वाई क्या हो जाएगा डी एक्स, है ना। अब यहाँ पर यह सेम दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर होगा 1/2 एस क्यू हो गया और इसका क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स क्यू है, कैंसिल होगा तो सिंगल एक्स बचेगा, तो यहाँ पर 3y क्या हो जाएगा एक्स होगा, नहीं आपका कौन सी होगा आंसर। देयरफॉर लॉग आपके पास एस कौन सी क्यू वाई क्या होगा डी एस, ठीक है। फर्स्ट नंबर किया जाए हो गया सर, हो गया सर। जो भी फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर रहे हैं, आपका 11th भी क्लियर हो जाएगा और 12th भी क्लियर हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंट करके ही क्वेश्चन को सोल्व करें, जब क्वेश्चन का प्रोसेस बनेगा तो जब इतना लिखेगा तो हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, मन में क्या करना है कि डिफरेंशियल निकाल कर डायरेक्ट 3/s लिख सकते हैं। अब इतना प्रोसेस नहीं लिखा, यदि क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट 3/s लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 1/s लिख सकते हैं, ठीक है। तोड़ने का तरीका हमने आपको सुनवा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ सब कुछ फाइव नंबर लॉग आपके पास यहाँ एक्स प्लस वन, थर्ड नंबर सिक्स नंबर लॉग आपके पास यहाँ एक्स माइनस वन, यहाँ पर सेवन लॉग आपके पास हो गया 1 - x। ध्यान दीजिएगा ये 1 + x लिखता है, यहाँ पर वर्क करना है 1 + x और यहाँ पर एक में लिखना है आपके पास 1 - x।
मेरा भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए ना. अच्छा अच्छा बोला जाए. डी लॉग साइन रूट अंडर ई के पावर एक्स. लॉग साइन रूट अंडर ई के पावर एक्स. ई के पावर एक्स बाय डी एक्स. यही पर है ना. दिखाई दिया क्वेश्चन. जी जी यही क्वेश्चन है ना. यस सर. यस सर. हाँ चलिए अब एक मिनट इस पर ध्यान दीजिए. तुरंत इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो गया. फाइव नंबर लॉग आपके पास क्या हो गया. एक्स प्लस क्या हो गया वन. यहाँ पर आप डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ लेट कर देंगे बाबू. वाई इसका टू लॉग हो जाएगा बाबू और एक्स प्लस क्या हो गया वन. यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू कौन हो गया बाबू एक्स. तो ये डी वाई वाई क्या हो गया डी एक्स और डी आपके पास क्या होगा लॉग एक्स प्लस क्या होगा वन. वाई क्या हो जाएगा अपना डी एक्स. तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला को यह इंडिकेट आपको बार बार यहाँ करते हैं उसको अमल करना है. यही आपके पास मेन है. हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी पूछ कर सकता है. ये दिखाई दे रहा होगा बाबू ये आपके पास है ना. एक्स है तो एक्स है तो यहाँ एक्स प्लस वन है तो बिलो में भी एक्स प्लस वन होना चाहिए. तो हम लोग इसको क्या कर देंगे बाबू यहाँ लिखेंगे हम लोग डी आपके पास लॉग और एक्स प्लस वन और वाई क्या हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस वन और इनपुट क्या होगा एक्स प्लस का होगा वन. वाई क्या हो जाएगा डी एक्स. तो आप सब कोई पहले से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ x प्लस वन लिखेगा तो इसको कितने पार्ट में चेंज करते हो dx by dx प्लस का होगा d1 by कौन से dx. तो ये क्या होगा वन ये कौन से जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा. आप समझ गए होंगे ये एंगल आपका सम इक्वल हो गया तो क्या होगा x प्लस वन इनटू क्या होगा वन. तो क्या होगा वन by क्या होगा x प्लस वन. देयरफॉर d log आपके पास x प्लस का होगा वन और भाई क्या होगा डी एक्स. ये आपका कौन से हो गया आंसर. जो देख रहे हैं कि आप दिखाई दे दिया आपका फिर आपके पास यही आएगा यहाँ पर और लॉग आपके पास क्या होगा बाबू यहाँ एक्स माइनस छोट क्यों कर रहे हैं. आपके पास तुरंत हमने इंडिकेट करना शुरू कर दे रहे हैं क्यों कर रहे हैं. जब हमारे पास क्वेश्चन यदि लॉग आएगा तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कौन से होगा बाबू एक्स. तो यहाँ पर dy by क्या होगा dx. तो यहाँ हम लोग के पास क्या होगा log होगा x minus 1 होगा और y क्या हो जाएगा dx. ठीक यहाँ पर जो हमने x है तो x minus 1 है तो बिलो में भी क्या करेंगे log आपके पास क्या होगा x minus 1 y क्या हो जाएगा x minus क्या होगा 1. अब यहाँ पर हम लोग के पास जो दिया हुआ है तो ठीक हम लोग के पास यहाँ पर कौन सी करेंगे x माइनस वन और y क्या करेंगे डिफरेंशियल. अब इसका भी डिफरेंशियल करेंगे dx dx वन होगा कांस्टेंट में वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. क्या होगा बाबू जीरो. तो यहाँ पर इसका हम लोग के पास क्या होगा वन बाई एक्स माइनस वन फिर इसका भी वैल्यू वन होगा. तो यह क्या होगा बाबू देयरफॉर d आपके पास log x माइनस वन और y क्या होगा dx. तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन. अब माइंड पर आपको पुट करके या माइंड पर सेव कर लेना है कि यदि हम लोग के पास कोई भी व्यक्ति यदि डी हम लोग के पास लॉग या एक्स प्लस आपका टू देता है बाय कौन सी डी एक्स. तो इसके इक्वल में हम लोग के पास क्या हो जाएगा इक्वल में वन बाय एक्स प्लस का होगा टू हो जाएगा. अब यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर डी लॉग आपका एक्स माइनस टू देगा और टू करेगा तो डी एक्स या वन बाय क्या होगा एक्स माइनस टू हो जाएगा. अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हम लोग को लॉग यहाँ एक्स प्लस आपके पास टेन देगा और बाई क्या देगा डी एस देगा तो हम लोग कौन बाई क्या लिख देंगे एक्स प्लस का होगा टेन हो जाएगा. प्लस जो भी कुछ भी होगा माइनस प्लस तो यह हमारे पास ये फिक्स हो गया चाहे प्लस में हो या माइनस में चाहे टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो सिक्स हो सेवन हो एट हो नाइन हो कुछ भी हो आपके पास. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सर प्लस ये कौन चेंज कीजिए तो एक्स बराबर मान लीजिए कि थ्री बाई टू टू लिख दिया तो बाई क्या लिखेगा डी एस. तो इसका भी वैल्यू क्या होगा वन बाई
x माइनस थ्री बाई क्या होगा टू, इसको एलसीएम करेंगे तो आप में चल जाएगा और टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा थ्री, ये आपका आंसर। इस टाइप से कर लेंगे कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गया, फास्ट में इसको नोट करें। ये x प्लस वन या वन प्लस x दोनों आपका सेम हो गया। अब यहाँ पर टू प्लस एक्स करेंगे तभी वैल्यू इतना ही आएगा, माइनस वाला भी पुट कर दिए प्लस वाला भी पुट कर दिए। अब हम लोग के पास एट वाला और माइनस एक्स पर ध्यान देंगे। हो गया सर। चलिए आप यहाँ पर या x माइनस टू है या है वन माइनस एक्स, वेरिएबल में माइनस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको माइनस वाला भी हमने इंडिकेट कर देना है। आप लोग जब अब सोल्व करने लगेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। अब इसमें माइनस आएगा, क्या आएगा बाबू, जबकि वेरिएबल में माइनस है। और वन माइनस एक्स होगा, वाई क्या हो जाएगा डीएक्स, लॉग का एंगल जो दिया हुआ है तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा और वन माइनस का होगा एक्स और वाई में क्या होगा वन माइनस एक्स और यहाँ पर यह क्या होगा वन माइनस एक्स बाई क्या होगा डी एक्स। अब यह समझ गया होंगे तो यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं कि डी यदि वन माइनस एक्स बाई डी एक्स दे रहा है तो क्या होगा डी वन बाई क्या होगा डी एक्स और माइनस क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट जीरो होगा, आई क्या होगा वन, तो क्या सिग्मा होगा माइनस वन। वेरिएबल में यदि माइनस होगा तो माइनस आएगा आंसर, क्या आएगा बाबू माइनस। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा वन बाई क्या होगा वन माइनस एक्स इंटू क्या होगा माइनस वन, तो यह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस वन बाई क्या होगा वन माइनस एक्स, या आपका कौन सा होगा आंसर। अब यह ध्यान में आ गया होगा कि यह इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा वन माइनस एक्स तो यह हो जाएगा। अब कोई लड़का कहेगा कि इसको पलट दे, पलट दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस वन वन माइनस एक्स पलट दिएगा तो क्या आएगा माइनस वन और यहाँ पर एक्स माइनस आएगा वन, माइनस माइनस कैंसिल और ये क्या होगा वन बाई एक्स माइनस वन, ये भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। समझ में आया होगा, वेरिएबल में माइनस आएगा तो माइनस सिंपल आएगा प्लस, ये वेरिएबल में माइनस नहीं है, वेरिएबल कांस्टेंट में प्लस माइनस आएगा तो उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल में माइनस आएगा तो साइड इफेक्ट कर देगा। फास्ट में नोट कर लिया है सर, उधर क्या लिखा है सर, उधर टू बाई कितने लिखा है उधर कितना लिखा है, उधर टू बाई टू बाई इधर जी नीचे नीचे थ्री बाई टू है, टू बाई टू एक्स माइनस थ्री वन बाई एक्स माइनस थ्री बाई टू बाई इसका टू टू बाई टू एक्स माइनस थ्री, इसको एलसीएम कर लिए चलिए दीप्ति बाबू आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कौन सी हो जाए प्रेजेंट, दीप्ति बाबू आपका क्वेश्चन, माइंड में ले लिए, लॉग बोला है बाबू और क्या बोला है
साइन पर इसे रूट पावर ई के पावर है ऐसा नहीं करना चले जी जब हम लोग के पास कोई भी फंक्शन साइन कॉस टैन बैक वाला जितना भी फार्मूला है उसको माइंड पर रिमेंबर रखे और उसको दिमाग से उतरने ना दे पीछे वाले जितना भी फार्मूला मैंने प्रूव कर रहा है एग्जांपल दे रहा है वह सब धीरे धीरे आगे वाले फार्मूला पर क्या होते जाएगा प्रूव होते जाएगा अर्थात यूज होते जाएगा ठीक है पीछे जितना भी फार्मूला आपके पास सॉल्व हो रहा है सब वह इंक्रीज करेगा आगे वाले सारे क्वेश्चन में वह ऐड होते जाएगा लेकिन आपका जो फार्मूला का रूट बन चुका है वह सॉल्व हो चुका है प्रूव हो चुका है वह किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगा चाहे वह क्वेश्चन कहीं क्यों ना जाए वह क्वेश्चन उथल पुथल कर दे बाटा कर दे माइनस कर दे इंटू कर दे रूट कर दे कुछ भी करेगा तो वह बैक वाला जो फार्मूला जो है हमारे पास वह कभी भी मिस्प्रिंट ना करे वह सब इसी पर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा कैसे होगा तो आप बोर्ड पर ध्यान दे अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा सोल्व कर देंगे और ये लेट कर दीजिएगा वाई इसका टू यहाँ लॉग हो गया जब लॉग आया तो लॉग का पहले फार्मूला को इंडिकेट करेंगे ई के पावर एक्स लॉग जब है तो लॉग का फार्मूला पहले इंडिकेट होगा अब यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे बाबू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन रेस्पेक्ट टू का होगा एक्स डी वाई में क्या होगा डी एक्स और यहाँ डी हो जाएगा लॉग हो गया बाबू और यहाँ पर साइन हो गया और ई के पावर का हो गया एक्स वाई क्या हो गया अब समझ गए होंगे यह एक्स एक्स तो यह लॉग का आपके एस के प्रेशर पर इतना दिया हुआ है दिखाई दे दिया होगा कि लॉग के प्रेशर पर ये दिया हुआ है बाबू ये आपके पास लॉग के प्रेशर पर दिया है ना एस के प्रेशर पर है तो जो ये दिया हुआ है एस के प्रेशर पर तो क्या होगा सीधे बिलो हो जाएगा ये डाउन आ जाएगा ठीक है और यह एक्स है एक्स यहाँ पर ये बिलो हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे ठीक करेंगे लॉग हो जाएगा और ये साइन होगा और रूट डी के पावर का हो गया एक्स और वाई कर देंगे डी और ये साइन हो जाएगा और रूट होगा ई के पावर का होगा एक्स ये फिलो हो गया फिर ये अप में जाएगा तो डी आपके पास साइन हो गया और रूट हो गया ई के पावर एक्स हो गया अब ठीक आपके पास फॉर्मूला में अब यह देंगे डी साइन एक्स बाई कौन सी डी एक्स अब यह हम लोग के पास क्या हो गया कॉस ठीक है अब देखो कि यह साइन का एंगल एक्स है बिलो में क्या है एक्स है तो साइन का एंगल क्या है रूट में दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे रूट ई के पावर का करेंगे एक्स फिर यह जाएगा अप में और रूट होगा ई के पावर का होगा एक्स तो आपके पास फिर बताया है कि रूट आपका एक्स बाई कौन सी डी एक्स तो वन बाई क्या होता है टू रूट एक्स अब रूट के इंटर में एक्स है तो बिलो में क्या है एक्स है तो रूट के इंटर में ई के पावर एक्स है तो डाउन में क्या होगा ई के पावर एक्स और यहाँ पर ई के पावर का होगा एक्स और बाई क्या हो जाएगा डी एक्स क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ ई के पावर एक्स बाई क्या है डी एक्स तो इसका टू क्या है डी एक्स समझ गए होंगे आप या भी आपका समझ में आ गया होगा अब यानी इसी तरह से आपके पास प्रोसेस क्या करेगा बढ़ाएगा लेकिन नियम आपका चेंज नहीं होगा चाहे कहीं भी क्वेश्चन क्यों ना हो मेरे बात को आप क्लियर कर सकते हैं ना अब हमने यह ध्यान दे दिए कि लॉग में है जो बिलो हुआ फिर ये अप में गया साइन का एंगल का फार्मूला सुनेंगे अब फिर साइन में दिया है एक्स तो एक्स तो यहाँ दिया है तो बिलो करेंगे फिर ये अप में जाएगा फिर आप रूट वाला ध्यान देंगे फार्मूला एक्स है तो एक्स है तो रूट के अंदर में के पावर एक्स को डाउन करेंगे फिर कहा जाएगा अप में सही के पावर एक्स है एक्स 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 है तो एक्स एक्स है बस स्टॉप पे जहाँ एक्स मिल गया सिंगल वहीं पर क्या कर देंगे रोक देंगे स्टॉप कर देंगे बाबू अब समझ में आ गया होगा अब इसको और इसको और इसको कर देगा फिर क्वेश्चन आपका तब बोला गया है काटने के लिए नहीं क्वेश्चन सोल्व होने के लिए तो अब इसका फॉर्मूला में हम लोग के पास क्या आएगा यहाँ पर आएगा वन बाई साइन और यहाँ पर ई के पावर एक्स इसका फॉर्मूला कौन सी है कॉस यहाँ पर आ गया कॉस और रूट होगा ई के पावर एक्स हो गया अब फिर आपके पास क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या है टू रूट एक्स यहाँ पर वन बाई क्या होगा टू रूट ई के पावर एक्स
और इसका फार्मूला क्या है e के पावर x है ना। अब ये cos है और ये sin है, दोनों का ये एंगल सेम है तो cos / sin क्या होगा cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा क्या हो जाएगा बाबू cot हो जाएगा। अब यहां समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा प्रोसेस इधर हम कर दे रहे हैं आगे की ओर, आप लोग लिखिएगा विलोम है यानी लिखिएगा विलोम है याद रखना है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, अब cot रूट क्या हो जाएगा ex ठीक है। अब यहां पर x / यहां दिया हुआ है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं ex और y क्या हो जाएगा 2√ आपके पास e के पावर x ठीक है। अब यहां पर ये हो गया इसका cos / sin क्या हो गया या ex / क्या हो गया डाउन। अब इसको p / q के फॉर्म में भी आप चेंज कर सकती है, कौन सी में कर सकती है p / q के फॉर्म में, तो p / q के फॉर्म में आप लोग जानते भी होंगे कैसे चेंज कर दे रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। रूट वाला चेंज नहीं किया हम लोग, रूट वाला चेंज तो कभी किया है फिर भी आपको बता रहे हैं ठीक है ओके। अब हम लोग के पास कोई व्यक्ति यहां पर लिखता है रूट एक्स और बाई लिखा कौन सी e के पावर रूट ई एक्स ओके। अब रूट को हम लोग क्या करेंगे p / q के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लोग यहां पर ध्यान देना है बाबू कि यह रूट आपके पास e के पावर एक्स और e के पावर क्या हो जाएगा x और y क्या हो जाएगा रूट ओवर e के पावर x इस बार रूट हो जाएगा ना, रूट का स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा तो e के पावर x ना बचेगा या p / q के फॉर्म में चेंज करोगे ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ठीक है, अब ये बढ़ जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा e के पावर आपका हो जाएगा कौन सी रूट e के पावर x और यह हो जाएगा cot और e के पावर क्या हो गया x और y क्या हो गया 2 यही आपका कौन सी हो गया आंसर। अब समझ गए दीप्ति जी जी समझ गए यस सर। चलिए फास्ट मिनट करो जिसका जो फॉर्मूला होगा उसके हमारा वेरिएबल आपका डिजिट सेम होते जाना चाहिए चाहे e के पावर है चाहे x के पावर n हो चाहे log x हो या sin हो या रूट हो ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि कल के लिए होमवर्क दे देना है सर लास्ट क्लास में समझाइए लास्ट में बाबू ऊपर जो कटाया है ना वो वाला ऊपर ये वाला यस सर। अब यहाँ पर ध्यान दो हमारे प्रिय स्टूडेंट कोई व्यक्ति हमको लिखेगा रूट एक्स और रूट एक्स तो क्या करते हैं रूट एक्स का कौन सी स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है एक्स तो हमको क्या करेंगे रूट एक्स के जगह पर हम लोग के पास कितना रख सकते हैं कि नहीं एक्स के जगह पर उसी तरह हम लोग के पास रूट के पावर x करोगे तो क्या हो जाएगा रूट आपके पास हो जाएगा रूट e के पावर क्या हो जाएगा e के पावर क्या हो जाएगा समझ में आया यस सर उस तरह से आपको नहीं होता है तकलीफ नहीं लेना है मेरे प्रिय स्टूडेंट आपको फिर आपको इंडिकेट कर देना है काहे के लिए e के पावर x हम लोग के पास सब लोग नहीं बताए थे 1/√2 पर है ना तो उसी तरह यह रूट आपका e के पावर x है तो e के पावर x कर देंगे और यहाँ पर e के पावर x हो गया और यहाँ पर रूट कर देंगे e के पावर x हो गया और यहाँ पर रूट कर देंगे e के पावर x हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया e के पावर x हो गया और रूट e के पावर x हो गया और इसका रूट रूट स्क्वायर बढ़ जाएगा तो e के पावर x हो गया बढ़ जाएगा तो आपके पास क्या रूट ओवर e के पावर x बचेगा चलिए अब यह आप लोग को तो सब कोई समझिएगा रहेंगे फास्ट में आप थोड़ा सा होमवर्क आप लोग ले लीजिए कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करते रहिएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए
हाँ सुने अभी एसवाल में दिया है, अभी इसको अपने आप सोल्व कर लेना। ओके सर, तीन नंबर में क्या है? तीन नंबर है लॉग साइन एक्स। अभी साइन को हम नहीं लेना चाहिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक बाबू, खुश रहिए। हिसाब जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए बाबू श्याम। नमस्ते जी, ठीक है? या सर। चलिए आपका पार्टनर सब कुछ बोल रहा है। खुश रहिए दीप्ति बाबू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए बाबू। क्या हाल है सारों जी, ठीक है? यस सर, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है बाबू। ओके सर। चलिए थैंक यू।